वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कुछ माउस के शॉर्टकट। यस, आप लोग सोच रहे होंगे माउस के क्या शॉर्टकट होंगे। माउस में गिनी चुनी तो की होती है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और एक हमारा स्क्रॉल व्हील, फिर उसकी की क्या होंगी। हाँ दोस्तों, माउस की भी बहुत सी शॉर्ट की होती है और वो कॉम्बिनेशन होता है हमारा कीबोर्ड माउस का कॉम्बिनेशन, जो आप देखेंगे कि बहुत ही यूजफुल होता है और मजेदार भी होता है। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल यूजेस तो आपको पता है कि अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं यूज, तो किसी भी फाइल को और या किसी भी फोल्डर को यूज सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा आता है हमारा, अगर हम लेफ्ट को डबल क्लिक यूज करें तो सिंपल सा है, डबल क्लिक से हम किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, या किसी फाइल को ओपन करना है तो वहाँ पे हम डबल क्लिक यूज़ करेंगे। एग्जांपल, मैंने ये यहाँ पे डबल क्लिक यूज़ किया और हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आ जाता है राइट क्लिक के लिए। आप यूज़ करते हैं मैक्सिमम राइट क्लिक यूज़ करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, या फिर किसी भी फाइल या फोल्डर का कोई भी ऑप्शन ओपन करने के लिए, या किसी सेल में एडिटिंग के लिए ऑप्शन यूज करते हैं राइट क्लिक से। एक यूज आता है हमारे पास कि हम लेफ्ट क्लिक ही करेंगे और लेफ्ट क्लिक करके यूं फाइल को यूं ड्रैग करने के लिए, है ना, ड्रैग करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे हमने ड्रैग कर लिया फोल्डर को, यानी कि एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए। अब आ जाता है हमारा स्क्रॉल व्हील, वो किस काम आता है फ्रेंड। स्क्रॉल व्हील साधारणतः हम कहीं भी किसी भी पेज को यूं स्क्रॉल करने के काम आते हैं। जैसे हम इसको स्क्रॉल व्हील को घुमाएंगे तो ये पेज अप और पेज डाउन, यानी कि एक पेज आ गया फिर दूसरा पेज होगा, तुम्हारे पास दूसरा पेज, तीसरा पेज, ऐसे हम उसको नेविगेशन के रूप में यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल यूज। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अगर हम किसी भी वर्ड के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है ना, या फिर हम कहीं भी तीन बार क्लिक करते हैं, एक दो तीन, तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप नहीं जानते थे तो आपके लिए ये बेस्ट यूज हो गया कि अगर हमने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो सिर्फ हम यहाँ पे तीन बार क्लिक करेंगे माउस से, 1 2 3, और पूरा पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है, सेंटेंस क्या होता है, जहां पे हमारा एक फुल स्टॉप आ गया पूरा सेंटेंस, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, हम कंट्रोल की दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस ये सेलेक्ट हो गया, या फिर हम यहाँ पे माउस के साथ क्लिक करेंगे तो ये वाला सेंटेंस सेलेक्ट हो गया, है ना मजेदार। अब हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, हम यू ऐसे यू माउस से यू ड्रैग करके लेके आते हैं तो आप देख रहे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने इतना आधा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है यहां से और ये आगे आगे का। तो हम कैसे करेंगे, हम इस बार ऑल्ट की प्रेस कर लेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और माउस से यूं जितना हमने सेलेक्ट करना है हम उतना ही सेलेक्ट करेंगे, या फिर हमने यहां बीच में ये सेलेक्ट करना है तो हम ऑल्ट के साथ ये इतना सेलेक्ट कर लेंगे। कैसा लगा, हम ऑल्ट के साथ जहां मर्जी अपना पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ओल्ड की दबाएंगे और हमने एग्जांपल यही दो यहाँ तक करनी है लाइनें तो इतना ही सिलेक्ट कर लेंगे। अब बात है हमारे पास, देखो सिंपली दोस्तों हम क्या करना है, हमने ये इंसर्ट, ये जो वर्ड है इंसर्ट, इसको यहाँ से कट करना है और यहाँ पे या कहीं भी पेस्ट करना है। तो सीधा सा हम क्या करते हैं, हम कट और पेस्ट यूज करेंगे, कंट्रोल एक्स या कंट्रोल वी। हम माउस से क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और जहाँ भी हमने पेस्ट करना है, आप देख रहे हैं हम क्लिक नहीं कर रहे कहीं भी, अभी हमने एग्जांपल यहाँ पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा और राइट क्लिक यूज करूंगा तो आप देखोगे वो वर्ड वहां से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गया। फिर से हम करके देखते हैं, हमने गैलरीज को यहाँ पे यूं सेलेक्ट किया और यहाँ बीच में इस जगह अगर हम कंट्रोल के साथ राइट क्लिक यूज करेंगे तो ये गैलरीज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, वहां से कट हो जाएगा। किसी भी वर्ड टेक्स्ट को हमने वहां से मूव कराना है तो कट पेस्ट की बजाय हम डायरेक्ट उसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल के साथ राइट क्लिक यूज करेंगे तो वहां पे वो डायरेक्टली कट पेस्ट हो जाएगा। अगर हमने कट पेस्ट नहीं करना है,
हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है, तो सीधा सा हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और इसको माउस के लेफ्ट से पकड़ेंगे और यूं हम यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ देंगे। तो गैलरीज हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी आ गया। जहाँ भी हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है तो सिर्फ कंट्रोल के साथ इसको माउस के लेफ्ट क्लिक से यूं पकड़ लेंगे और जहाँ भी ड्रैग करना होगा वहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल फ्रेंड्स। अब एक सिलेक्शन आ जाता हमारा कि एग्जाम्पल हमने यहाँ से और एक सेंटेंस नहीं, हमने मैनुअली यहाँ तक सेलेक्ट करना है। तो हम नॉर्मल क्या करते हैं, हम यूं करके आते हैं और यूं सेलेक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हमने कर्सर को यहाँ छोड़ दिया जहाँ से हमने सिलेक्शन शुरू करना है, वहाँ पे कर्सर को छोड़ा और जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ पे हम शिफ्ट के साथ क्लिक कर देंगे तो ये पैराग्राफ उतना ही सिलेक्ट होगा जहाँ पे हमने क्लिक किया है। और भी अगर हम शिफ्ट के साथ यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। आसान लगा दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो दोस्तों हमें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता है ना ऐसे शॉर्टकट्स के ऊपर। अब आ जाता हमारे पास तीसरा स्क्रॉल व्हील के लिए, कि हम स्क्रॉल व्हील से डायरेक्ट हम यूज स्क्रॉल करते हैं पेज अप डाउन के लिए। अगर हम इस स्क्रॉल व्हील को हल्का सा दबा लें, दबाए रखेंगे तो आपके पास ये एरो बन जाएगा और इसको थोड़ा सा डाउन में करके आप यहाँ पे माउस को छोड़ दें। हम देख रहे हैं माउस को बिल्कुल नहीं हिला रहे और पेज धीरे धीरे स्क्रॉल अप हो रहा है। अगर हम यूँ थोड़ा सा अगर ऊपर ले जाके छोड़ दें तो ये ऊपर स्क्रॉल अप होने लगेगा। अगर हम चाहें इसको दबाए ना रखें तो इसको थोड़ा सा टाइट दबा के छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिक ये एरो बन के रह जाएगा। अब हमको दबाए रखने की भी जरूरत नहीं है और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम सिर्फ माउस को पकड़ेंगे और हल्का सा नीचे कर देंगे तो नीचे स्क्रॉल होगा और हल्का सा अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो ऊपर स्क्रॉल होने लगेगा। और फिर से दोबारा हम क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब चलते हैं हम ऑनलाइन काम के लिए। एग्जाम्पल हमने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, एक टैब यहाँ पे खुली हुई है, एक टैब यहाँ पे खुली हुई है, हम किसी भी टैब के ऊपर हैं और हम वहाँ पे अगर स्क्रॉल व्हील को क्लिक कर देंगे तो वो टैब ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। देखा, मैं फिर से करता हूँ, मैंने एक टैब और ओपन कर रखी है और मैं ये टैब देख रहे हैं, इस टैब पे मैं यहाँ पे स्क्रॉल व्हील से क्लिक करूँगा तो ये टैब क्लोज हो जाएगी। दूसरा, अगर हमने कोई भी यहाँ पे सर्चिंग ऑप्शन ले रखा है, हमने यहाँ पे सर्च कर रखा है कोई भी लिंक, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये इसी पेज पे इसी विंडो में ये ओपन हो जाएगा। अगर हमने नई टैब में इसको ओपन करना है तो हम स्क्रॉल व्हील को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे वो हमारे पास नई विंडो ओपन हो गई और ये एक नई विंडो में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, हमारे पास एक ही टैब है और मैं स्क्रॉल व्हील को यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो हमारे पास नई टैब ओपन हो गई और ये नई टैब के अंदर ओपन हो जाएगा हमारा ये वाला पेज। ओके, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम कंट्रोल की दबा करके कंट्रोल के साथ अगर स्क्रॉल व्हील को हम स्क्रॉल करें तो आप देखोगे ये पेज हमारा जूम इन और जूम आउट होगा, चाहे वो हमारा वेब पेज हो, चाहे हमारा एमएस वर्ड का पेज हो, चाहे एक्सेल का पेज हो। ये कंट्रोल के साथ अगर स्क्रॉल व्हील घुमाएंगे तो जूम इन एंड जूम आउट का काम करेगा। आगे चलते हैं, मज़ा आ रहा है ना, और भी मज़ेदार है। अभी देखिए हम टाइटल बार के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जो टाइटल बार होती है हमारी उसके ऊपर डबल क्लिक करते ही लेफ्ट वाला क्लिक ही करेंगे तो ये मीन तो ये रिस्टोर डाउन हो जाएगी विंडो और फिर से अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगी। और एक मज़ेदार ऑप्शन, हमारे पास बहुत सी टैब ओपन है, बहुत सी विंडोज ओपन है और हम सारी विंडो को मिनिमाइज करना चाहें तो हम इस विंडो को यहाँ से यूँ माउस से पकड़ेंगे, देख रहे हो यहाँ पे इस जगह माउस से हम लेफ्ट क्लिक कर लेंगे, पकड़ लेंगे और इसको यूँ सेक करेंगे, हिलाएंगे तो आप देखोगे हमारी सारी विंडोज जितनी भी खुली हुई थी सारी मिनिमाइज हो गई। अगर हम फिर से यूँ पकड़ के फिर से सेक करेंगे तो फिर से मैक्सिमाइज हो जाएंगी। कैसा लगा, फिर करके देखते हैं। मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और सेक करूँगा तो थोड़ा सा सेक करते ही सारी जितनी भी बैकग्राउंड में हमारे पास एप्लीकेशन खुली हुई थी सारी की सारी मिनिमाइज हो जाएंगी और फिर से सेक करेंगे तो जितनी भी थी वो हमारी सारी मैक्सिमाइज हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए, हमें लाइक ज़रूर कीजिए,
ओके, ऐसे ही मैं आपके लिए और भी शॉर्ट कीज लेके आता रहूंगा, तो देखते रहिए। धन्यवाद। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट्स में बताइए। जैसा भी आपको लगा हो, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, और यदि पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।